पिछले 3 महीने से जेएनयू में पानी का क्राइसिस हो रहा है, खास तरीके से जब से चुनाव के लड़ने जा रहे थे प्रशासन के तरफ से एक बूंद पानी हमको नहीं मिल रहा था, और जो भी पैसा टैंक पे खर्च करना चाहिए टैंक बनाने में, हमारा वाइस चांसलर को मिलिट्री टैंक लगाने में उसको ज़्यादा शौकीन है बल्कि पानी का टैंक में नहीं, इतने हज़ारों एप्लीकेशन हमने उसको दिया, एक भी एप्लीकेशन उसने फॉरवर्ड नहीं किया। इतना शर्मनाक है कि ये वाइस चांसलर जेएनयू को एडमिनिस्टर करने में फेल हो चुका है, निकम्मा हो चुका है, इनकॉम्पिटेंट हो चुका है। इसलिए आज हम जेएनयू को बचाने के लिए, जेएनयू को जेएनयू रहने देने के लिए आज यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं। दिल्ली जल बोर्ड से पूछेंगे क्यों 1 हफ्ते से 4 दिन पानी नहीं आया, क्यों जब भी पानी आ रहा है खाली 20% पानी आ रहा है, क्यों इस दिल्ली के निवासी पानी तक पी नहीं सकते हैं क्या, सरकार को सवाल उठाते तो पानी नहीं देते क्या, ये साजिश को हम चलने नहीं देंगे। इसी बात को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। हम लोग अपने वाइस चांसलर तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उसको शिकायत की है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हायर अथॉरिटी से बात करे। जब हमको पता चला कि उनके दौर पे कोई चीज़ फेल हुआ है तब हम लोगों ने अपने सर पे इस बात को लिया, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जेएनयू हमारे लिए प्यारा है, अगर कोई डिस्ट्रॉय करेगा उसको बदना उसको हम सोच नहीं सकते हैं, और पानी मूल अधिकार है। जब हर किसी के लिए हम लड़ते हैं तो हम अपने लोगों के लिए अपने हक के भी लड़ सकते हैं, इसलिए आज यहाँ पे आए हैं। अगर आपका लेटर देने के बावजूद और यहाँ पे तमाम प्रोटेस्ट करने के बावजूद आपकी अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्या कदम होगा आपका? तो आप लोग समझ सकते हैं अगर मांग पूरा नहीं कर रहे तो क्या सोच होगी उनकी, तो उसी सोच के खिलाफ हम लोग भी अपनी सोच और अपना आगे लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उस बात को पहले बोले ना खुलेआम, ये पानी नहीं देंगे आपको, इतनी हिम्मत है दिल्ली जल बोर्ड की दिल्ली में रहते हुए अपने नागरिक को पानी नहीं देगा बोल के बोला है, तो देखते हैं।